नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एक जो है न्यूज़ आई है, न्यूज़पेपर में 75% से कम उपस्थिति होने पर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये न्यूज़ पढ़कर जो है बहुत से स्टूडेंट परेशान हो गए हैं, और परेशान होना जायज़ है दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले ही जो आपके एग्ज़ाम फॉरम स्टार्ट हुए थे, एडमिशन स्टार्ट हुए, तो अनिवार्य किया था कि 75% जो उपस्थिति होगी तभी आपकी एग्ज़ाम लेंगे, वरना जो है आपकी एग्ज़ाम नहीं लेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रेगुलर एडमिशन करवा लेते हैं और फिर कॉलेज में नहीं आते हैं, तो ये गलती किसकी दोस्तों, ये आपको समझना है। गलती आपकी है, यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है। रेगुलर एडमिशन ले रहे हो तो आपको रेगुलर कॉलेज भी जाना चाहिए, और रेगुलर नहीं जा पा रहे हो तो आप नॉन कॉलेज कर सकते हो। रेगुलर जो है एडमिशन लेने की क्या हो सकता है, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्ज़ाम यूजी 2023 से, मतलब यूजी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 6 अप्रैल से। और यूनिवर्सिटी के वी प्रोफेसर बागेश सिंह बिजानिया ने बताया कि यूजी की परीक्षाएं 3 पारियों में चलेगी, 3 पारियों में चलेगी, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की, तीनों की अलग अलग पारी होगी, ठीक है? उन्होंने बताया कि जो नियमित विद्यार्थी हैं, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर एडमिशन ले रखा है, कॉलेज में जाते हैं और कभी जो है नहीं जाते हैं, तो उनके लिए जो है जो आपकी दुख भरी खबर है कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है। आपकी 75% हाजिरी है कॉलेज में तभी आपकी एग्ज़ाम लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी कॉलेज में किसी स्टूडेंट की 75% से कम है जो उपस्थिति, तो संबंधित महाविद्यालय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो है जीमेल पर जो है भेज दे डिटेल, ठीक है, सुनिश्चित करें। तो ये कॉलेज पर डिपेंड है, यदि कॉलेज आपकी हाजिरी लगा रही है तो आप एग्ज़ाम से वंचित नहीं रहोगे, मतलब एग्ज़ाम दे सकोगे। लेकिन कॉलेज वालों ने आपकी जो है डिटेल यूनिवर्सिटी को भेज दी कि ये स्टूडेंट नहीं आ रहा है कॉलेज में, उपस्थिति कम है 75% से, तो जो है यूनिवर्सिटी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, फिर है आगे क्या है कि ऐसे स्टूडेंट के परमिशन लेटर जारी नहीं किए जाएंगे और परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन स्टूडेंटों की उपस्थिति 75% में कुछ प्रतिशत ही कम है, उन पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मतलब जिनके 2-4% ही कम अनुपस्थिति है तो उन्हें यूनिवर्सिटी हालांकि एग्ज़ाम दवा देगी उनकी, लेकिन कुछ कार्रवाई करेगी। वो उनके हाथ में क्या क्या करने वाली है, यूजी आर्ट की परीक्षा 6 अप्रैल से लेकर 25 मई तक, और यूजी साइंस की 8 अप्रैल से लेकर 19 मई 2023 तक, और कॉमर्स की जो है 12 अप्रैल से शुरू होकर 16 मई तक चलेगी। तो ये आज की न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको जो है नहीं, आपकी 75% उपस्थिति नहीं है। नॉन कॉलेज वालों के तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने नॉन कॉलेज एडमिशन लिया तो कॉलेज नहीं जाते वो, लेकिन रेगुलर आपने एडमिशन ले रखा है तो आपकी कॉलेज से आपको संपर्क करना है कि आपकी कितनी क्या परसेंट है, परसेंट कम है तो आपका जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं देने देगी, ठीक है, साफ साफ यूनिवर्सिटी ने कहा है। और बाकी आपके यदि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं तो आपको एग्ज़ाम देना ज़रूर जाना है, वहाँ पर देख लेना है कि क्या डिसीजन उनका रहता है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं तो आपको जाना ही, ठीक है, अनिवार्य होगा। तो ये था आज का अपडेट, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।